नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर कल का महाशिवरात्रि पर्व का शुभ अवसर पर झांकी निकली जा रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये कोई कॉमन झांकी नहीं है जो शिव पार्वती के शादी हो रहा है, जो झांकी निकल रहा है, ये झांकी इस पर्वत से निकाली जा रही है, क्योंकि ये झांकी का उद्देश्य यह है कि इस परमपिता परमात्मा इस धारा पर, इस धरती पर आए हुए उनको 87 बरस हो गया है। सुनने में तो अजीब लगेगा कि 87 बरस परमात्मा के आए हुए हो गया है, लेकिन जी हाँ भैया, यहाँ पर परमात्मा के आए हुए 87 बरस हो गया है। और ये संस्था क्या कल के दिन, शिवरात्रि के दिन, बहुत धूमधाम से, जैसे शिव बाबा का जन्मदिन उस दिन है और भगवान को उस दिन शिवरात्रि में अवतरण हुआ था, तो अवतरण दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि शिव के संग ही रात्रि शब्द हम क्यों यूज करते हैं, शंकर रात्रि, कृष्ण रात्रि, राम रात्रि, नारायण रात्रि क्यों नहीं कहते हैं, शिव के संग ही रात्रि क्यों। और दूसरा रात्रि एक लगता है नवरात्रि, नवरात्रि भी वो देवियों का वहाँ पर अब दिखाया गया है, और नवरात्रि भी इसमें भी रात्रि शब्द बहुत इसमें महत्वपूर्ण शब्द है। तो रात्रि शब्द का मतलब हम ये होता है कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो रात्रि यानी अज्ञान रूपी रात्रि में आकर के हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। उसी को एक प्रसंग है जो कहते हैं हम लोग कि ज्ञान सूरज प्रकटा तो अज्ञान अंधेरे विनाश। जब ज्ञान सूरज प्रकट परमपिता परमात्मा शिव होते हैं तो हमारे अंदर के बुराइयां जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भावना, नफरत, घमंड, घृणा, ये सारी बुराइयां हमें परमात्मा लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बुराइयां हमारे में से खत्म कैसे होगा। आज तक हम बुराइयों को खत्म करने के लिए यज्ञ, तप, दान, पुण, तीर्थ यात्रा, गुरु, गोसाई, मंदिर, मस्जिद, ठीकर, भेतर, ढीला, ढूकर, पेड़ पौधा, ऋषि महर्षि, बड़े बड़े महामंडेश्वरों के पास हमने गया, लेकिन हमारे अंदर के बुराइयां खत्म नहीं हुआ। और जैसे शराबी एक शराब पीने से एकदम पीड़ित हो जाते हैं, लोग अपने बुरे कर्मों से भी पीड़ित है, ना इसका कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर मिला जो हमारे अंदर के बुराइयां को खत्म करके और हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ये आनंद, ये सारे हमारे अंदर में भर दे। आखिर ये कैसे हमारे अंदर आएगा? क्या मार्केट में खरीदने से ये सारी चीज़ें मिलेंगे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम? क्या हमें कोई डॉक्टर से ऑपरेशन करके बुराइयाँ को निकाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा मेडिकल में मेडिसिन है जो हमारी बुराइयाँ अंदर के निकल सकता है? सारे लोग तो थक चुके हैं। तो इस धरा धाम पर परमपिता परमात्मा आए हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग ये सारे शिक्षा देते हैं कि कैसे हमारे अंदर के बुराइयाँ को खत्म हो और हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम आए, और हमारे जितने रोग है, बीमारी है, सब परमात्मा के एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखलाई जाती है, जिसमें 7 दिनों में हमें सारे जानकारियां हो जाती है कि कैसे हमारे घर का कलह कलेश, कैसे परेशानियां हमारे अंदर का खत्म हो सकता है। शिवरात्रि के महापर्व के दिन शिव बाबा पर हम बैर चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं, और कांटा चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। ये सब क्या चीज़ के आखिर प्रतीक है? क्या हम लोगों को घी, दूध, मलाई, अच्छे अच्छे चीज अच्छे लगते हैं? क्या भगवान को इतने गंदे गंदे चीज अच्छे लगते हैं? नहीं, भगवान की खाने वाली एक मनुष्य की चीज नहीं है, एक इंसान के चीज नहीं है, तो भगवान ऐसा चीज कैसे खा सकते हैं? यानी धतूरा का मतलब होता है कि जहर, कांटा, उसमें कांटा भी रहता है। ये जो हमारी वाणी है ना, एक जहर और कांटा की तरह है। भगवान करते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, मन के आपा खोल, औरों को शीतल करो, आप हूँ शीतल होए। मीठी वाणी बोल करके किसी को हम उसके अंदर जहर और कांटा न भर करके गलत वाणी से, बल्कि मीठी वाणी बोल करके उसका मन को
तंदुरुस्त कर दे। दूसरी बात दूध चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान मुझे दूध जैसा ताकतवर और उज्जवल बना दो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा चीज गंदगी ना आए। जैसे दूध में जैसे ही कुछ चीज डालते हैं तो व्हाइट के कारण दिखने लगता है। हमारे में भी कोई भी कमी कमजोरी हुई तो दूध की तरह दिखा देना और ख़त्म कर देना, ताकतवर बना देना। तीसरी बात चढ़ाते हैं हम लोग क्या, बैर। आखिर भगवान को सेब अंगूर अनार केला इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें फल फ्रूट्स है, लेकिन बैर बहुत भगवान के पसंद आता है, क्योंकि बैर का महा मतलब ये होता है कि हे भगवान हमारे जितने बैर विरोध अंदर का है वो हमारे में से ख़त्म कर दो। और उसके बाद क्या चढ़ाते हैं, भांग। कहते हैं कि भगवान भांग खाते हैं और शराब पीते हैं वो श्री औघड़ दानी शिव बाबा को, और क्या कहते हैं उसमें भी, और कहते हैं कि वो गंजा पीते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भगवान ही पीते खाते हैं ये, तो हम अपने बच्चों को क्यों और अपने पति को और अपने परिवार को क्यों ना ये प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। क्यों हम मना कर देते हैं कि भांग धतूर काटा या बीड़ी सिगरेट शराब मत पियो, ये सब गलत चीज़ है। कहते हैं कि नरक के द्वार है, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो नरक में है, क्यों ये ऐसे कहते हैं। और उसको कोई भी समाज में अच्छे व्यक्ति नहीं कहता है, लेकिन भगवान को जब पसंद है तो भगवान जब अच्छे कहला रहे हैं बीड़ी सिगरेट गंजा पीने से, तो मनुष्य को क्यों इतना गलत दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो नशा है ना विकारों का, भांग धतूर नशा है एक तरह के भांग, और इस नशे को यानी काम क्रोध लोह मोह अहंकार एक नशा है, इस नशे को मेरे पर अर्पण कर दो, ना कि हम नशा करने लगे। नशा तो और गवर्नमेंट छुड़ा रही है और भगवान ही नशा कर रहा है, तो गवर्नमेंट फिर कैसे छुड़ा सकता है। और ब्रह्मा कुमारी भी है, नशा मुक्त का एक अभियान निकलता है, जो ब्रह्मा कुमारी भी नशा मुक्त के खिलाफ है छुड़ाती है। और जो शिव बाबा नशा करते हैं उस शिव साजन से हम लोग का प्यार है, और वो शिव साजन नशा करेगा तो कोई नशेड़ी व्यक्ति से पूजा करने जाएगा, कोई कार्य करवाना चाहेगा नहीं। तो ये सारे हम लोगों को जितने चीज़ें चढ़ाते हैं ये सब ज्ञान समझने की प्रतीक है, ना कि ये सब चढ़ाने से खुश होंगे। यानी जितनी कांट धतूरा बुराइयाँ हमारे में अंदर में है वो मेरे पर अर्पण कर देंगे भगवान पर, तभी बुराइयाँ खुश होंगे, नहीं तो शिव बाबा कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं ये सब चढ़ाने से। मान लीजिए इतने दिनों से हम चढ़ाएं, क्या खुश हुए, मिला कुछ, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों का। तो ये शिवरात्रि का प्रतीक है। और ये तो रात्रि माना अज्ञान रूपी अंधेरा हो गया भगवान के साथ, अब नवरात्रि क्यों कहते हैं। यानी भगवान आते हैं तो हम देवियों को क्या करते हैं, हम माताओं और बहनों पर ज्ञान रूपी कलश रखते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा जन जन को आप लोगों को सब लोगों को रात्रि यानी अंधकार से प्रकाश में लाना है। इसलिए हम देवियों को चुनते हैं, हम जितने देवियां यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहने हैं उसके द्वारा ये भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि नारी को लोग नरक का द्वार कहा गया है, छुड़ी के धार है नरक का द्वार है, सरपनी है, नागिन है, ऐसे ऐसे नारी को ऐसा ऐसा उपाधि कहेंगे इसको दिए हुए हैं। लेकिन आज नारी को परमपिता परमात्मा ने आकर के स्वर्ग के द्वार खोलने के ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा 165 देशों में आज हम लोग 9 लाख कन्याएं यहाँ पर हैं, केवल भारत में विदेश को छोड़ करके, और पूरे 9.5 लाख कन्याएं हम लोग भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आज इसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने बुराइयों को संस्कारों को गलत संस्कारों को कैसे छोड़ करके और पूरे भारत हमारा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बड़े सेरा वह भारत देश था मेरा, वैसा हमारा भारत देश कैसे बना। अब कहेंगे कि मुझे एक सुधारने से बनेगा, लेकिन हाँ हम बदलेंगे जग बदलेगा, और जग बदलेगा तो सब बदलेगा, ऐसा हो ही नहीं। पहले अपने को हम लोग बदलने का कोशिश करें। हम सोचते हैं कि समाज बदल जाए, गुरु बदल जाए, गोसाई बदल जाए, परिवार बदल जाए, माने केवल ओनली वन हम लोग दूसरों को ही बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई होता है कि दूसरों को नहीं बदले, हम बदलेंगे तो घर बदलेगा, और घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो भारत बदलेगा, और भारत बदलेगा तो देश विदेश बदलेगा, और देश बदलेगा तो सब बदलेगा, चिड़िया शेर बाघ जितने ही खूनखार चीज़ें हैं सब बदल करके एक
ऐसा देश का निर्माण होगा जहाँ की शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती है, तो वो देश कैसा होगा। ऐसे इसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। इतना ही कह करके हम अपने